क्या आपने कभी ऐसे रिटायरमेंट की कल्पना की है जो कॉलेज लाइफ की तरह हो? वही टेंशन फ्री लाइफ, मौज मस्ती और हमउम्र दोस्तों का साथ। एक खूबसूरत जगह, आप अपनी जिंदगी के सहेजे हुए खूबसूरत पलों को दोबारा से जिए। नमस्कार, आज हम लोग सब यहाँ पे श्री कृष्ण वृंदावन की तरफ से एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ पर दो चीज़ों की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं एकत्रित। पिछले हफ्ते में युगादि या फिर गुड़ी पाड़वा जिसे महाराष्ट्र में कहते हैं और युगादि कहते हैं आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, उसके सेलिब्रेशंस हुए। और कल जो है रामनवमी का पावन पर्व था, तो वो दोनों को मिलाकर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर वीकेंड पे सेलिब्रेशंस होते हैं, उसी तरीके से आज हम उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। श्री कृष्ण वृंदावन जो है ये हाल ही में अभी 11 ही महीने हुए हैं यहाँ पर स्थापित हुए हुए। हालम पार्क में हमारा एक छोटा सा प्रीस्ट हाउस है जहाँ पर हम विविध तरीके के पूजा प्रक्रिया और ऐसे कार्यक्रम आयोजन करते हैं। श्री कृष्ण वृंदावन जो है ये उड़पी के श्री पुतिगे मठ का एक शाखा है या एक ब्रांच कह सकते हैं। उड़पी में जैसे आप लोग शायद जानते होंगे कि श्री कृष्ण जी का अष्ट मठ है, आठ मठ है वहाँ पर जो, और एक मेजर कृष्ण जी का मंदिर है और ये आठ मठ उसकी पूजाएँ करती हैं। तो पुतिगे मठ उसमें का एक मठ है जिसका यहाँ पर एक शाखा है हालम मेलबर्न में। अनेक उनके शाखाएं हैं पूरे जगत में, पर मेलबर्न में ये ऑस्ट्रेलिया में पहला ही शाखा है। और बड़े गर्व के साथ हम ये नए वर्ष की सेलिब्रेशंस में आज लगे हुए हैं। अनेक तरीके के कार्यक्रम है यहाँ पर। बच्चे, शुरुआत हमारी हुई बच्चों के रंगोली के कार्यक्रम से। आपको अंदर देखने मिलेगा कि बच्चों ने विविध तरीके के रंगोली बनाए हैं। 3.5 साल के बच्चे से लेकर 11 साल के बच्चे उम्र के बच्चों ने अलग अलग अपने तरीके से अपने काल्पनिक रंगोलियां भी बनाई हैं। सारे के सारे ट्रेडिशनल नहीं हैं, कुछ काल्पनिक भी हैं, पर आपको बच्चों की कल्पनाएं दिखेंगी उसमें। साथ ही में जो आप वहां पर देखेंगे कि लेडीज़ औरतें जो हैं वो श्री महालक्ष्मी देवी जी की पूजा कर रहे हैं। हमारे जो अर्चक है, हमारे जो पुजारी है, वो उनकी पूजा करवा रहे हैं। इसके बाद थोड़े बहुत प्रवचन होंगे या स्पीच होंगे इसके ऊपर कि युगादि का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, खासकर आज के हमारे जनरेशन के लिए। और अंत में ऑफ कोर्स छोटा सा हमारे भजन होंगे और उसके बाद पूजा और प्रसाद। तो इसी तरीके के महीने में या पूरे साल में काफ़ी हमारे कार्यक्रम होते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं जो है श्री कृष्ण वृंदावन मेलबर्न या SKBM। और आपको अगर कभी किसी भी तरीके का पूजा अगर अपने घर में भी करवाना हो, सत्यनारायण जी का पूजा हो या कोई किसी भी अनेक तरीके के पूजाएं, तो हमारे प्रीस्ट जो है वो आपको इसमें आपकी सहायता कर सकते हैं।
उनको मैं देता अच्छा है मुझे www.skpl.org.au या फिर यू कैन लाइक अस ऑन फेसबुक एट श्री कृष्ण वृंदावन मेलबर्न और आपको हमारे सारे कार्यक्रम की जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे और हमारे पूजा में पार्टिसिपेट करेंगे। धन्यवाद। अनिता कितना काम करोगी, थोड़ा आराम कर लो। आराम का प्लान तो बना लिया है मैंने। वर्ल्ड टूर पे भी जाएंगे, लेट नाइट शोज भी देखेंगे और जितना मर्जी उतना सोएंगे। अच्छा, पर कैसे? हमारे रिटायरमेंट की तैयारी तो शुरू कर दी है, वरना एक हाउसवाइफ का रिटायर होना तो मुश्किल है। तो आज ही शुरू कीजिए लंबी इनिंग्स की तैयारी।